आदरणीय भगवान, टॉपिक की चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताते हुए मुझे बेहद संतुष्टि हो रही है कि आज मेरे श्री चार्ट महालक्ष्मी अनुष्ठान के 37 सप्ताह संपन्न हो चले हैं। श्री चार्ट महालक्ष्मी जी अपने साक्षात एवं सजीव रूप में मेरे क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करके मुनाफा बनवाती रहें, इसी प्रार्थना में मैं आजीवन अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। अब मान्यवर, आप देख लीजिए, आज सनोफी कंज्यूमर की लिस्टिंग हो गई। अभी अभी, जी हाँ, अभी 2 लाख लोग खड़े हुए हैं शेयर खरीदने के लिए। एक व्यक्ति भी तैयार नहीं है बेचने के लिए। 5% के अपर सर्किट पर ट्रेड हो रहा है सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर। मान्यवर, आपकी सेवा में मैंने सनोफी, फ्रेंच फार्मा सनोफी को कई बार कवर किया है। तब सनोफी कंज्यूमर 6,000-7,000 के लेवल पर मिलता था। आज भी सनोफी का जो मेन शेयर है, सनोफी फार्मा का शेयर 7,000 में बिक रहा है, लेकिन सनोफी कंज्यूमर का शेयर आप देख लीजिए फ्री में मिल रहा है 5,000 के आसपास। शान से बिक रहा है सनोफी कंज्यूमर, इसको 5,000 के लेवल पर बेचने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। महोदय, फोकस करने से वेल्थ कैसे बनती है वो भी बैठे बैठाए, उसका एक उदाहरण है सनोफी। महाराज, गौर फरमाइए, ये जो कंज्यूमर हेल्थ केयर है जिसके खरीदार लाइन लगाकर खड़े हैं आज, ये तो आम लोग हैं। बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड हाउस $20 बिलियन लिए खड़े हुए हैं सनोफी का कंज्यूमर बिजनेस खरीदने के लिए। ग्लोबल लेवल पर सनोफी अपना कंज्यूमर का कारोबार बेच सकती है, जाहिर है बिकवाली सस्ते दाम पर तो होगी नहीं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैंने सनोफी कंज्यूमर की भविष्य की रणनीति अपने क्लाइंट्स के साथ साझा की है। रही बात तो सनोफी का जो पेरेंट शेयर है उस पर मैं बुलिश नहीं हूँ, सुपर बुलिश हूँ, लेकिन जनाब क्या करें, मैं अभी सेबी के साइलेंट पीरियड में हूँ, इसलिए सनोफी को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। इनफैक्ट सनोफी कंज्यूमर में भी आप मेरी बात सुनकर निवेश मत कीजिएगा। दोनों ही शेयर्स के लिए मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दे दी है। हाँ, यदि आपको मुझसे रिकमेंडेशन चाहिए तो आपकी सेवा करना मेरा परम सौभाग्य होने वाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।